इधर इंदौर में केंद्र सरकार की योजनाओं को बनाने के लिए भाजपा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। रविवार को इंदौर सांसद ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाया। दरअसल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सभी भाजपा सांसदों को केंद्र की योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने के निर्देश दिए और इसी के तहत आयुष्मान योजना के हितग्राहियों के साथ ये कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं को अगर राज्य सरकार सही तरीके से अमल में लाए तो और भी अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। जिन जिन लोकसभा के क्षेत्रों में जिन्होंने आयुष्मान का लाभ लिया हो उनका एक दिवाली मिलन समारोह होना चाहिए और कुल मिला के उसका भाव ये था कि उनसे कुशल में पूछना कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और जो योजना का लाभ मिला है उसमें अगर उनके कोई सुझाव हो तो हम उनके सुझाव लेते हैं। तो जब निमंत्रण देने गए थे हम उन निमंत्रण देते समय उनसे बात भी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा व्यक्त की कि हमें आयुष्मान के कारण आज हम स्वस्थ हैं और एक दो सुझाव भी आए हैं, उन सुझाव को भी हम आगे बढ़ाएंगे। कुल मिला के दिवाली मिलन समारोह खुशियों का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है, उस अवसर पर सब मिल रहे हैं।